स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी और इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो इन दिस लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से आपकी जो बुक बता रही है, तो आपकी बुक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से कह रही है कि The reproductive role of the female is far more complex than that of male. यानी अगर हम reproduction के अंदर female का role देखें, human की जो reproduction है, इसमें अगर हम female का role देखें, तो female का role जो है वो more complex है, ज़्यादा पेचीदा है किसके मुकाबले में, male के मुकाबले में। अब आप देख सकते हैं कि reproduction के अंदर male का role क्या होता है। reproduction के अंदर male का role होता है gamete produce करना, और दूसरा काम क्या होता है, उस gamete को जो है वो उन गैमेट्स को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिस्चार्ज करना, ये रिप्रोडक्टिव रोल है किसका, मेल का। लेकिन अगर आप फीमेल का रिप्रोडक्टिव रोल देखें तो फीमेल ने सिर्फ गैमेट ही प्रोड्यूस नहीं करना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन भी होनी है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होनी है, डेवलपमेंट भी होनी है। तो मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका अगर आप रोल देखें, फीमेल का रोल देखो किसके अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर, तो फीमेल का रोल जो रिप्रोडक्शन में, एक तो है गैमेट प्रोडक्शन, गैमेट प्रोडक्शन भी है, और गैमेट प्रोडक्शन के अलावा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ये भी किसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, ये भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है। जबकि मेल का अगर आप रोल देखें तो सिर्फ क्या है, ज्यादातर उसका मेन रोल सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस करना ही है। तो देखें आपकी बुक क्या कह रही है, द रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ फीमेल इज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ मेल, शी नॉट ओनली हैज टू प्रोड्यूस गैमेट, यानी उसको सिर्फ गैमेट प्रोड्यूस ही नहीं करना है, बट हर बॉडी मस्ट बी प्रिपेयर टू नर्चर अ डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी एक जो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है उसको फूड सप्लाई करने के लिए, उसको रखने के लिए जो है उसकी, उसको अपनी बॉडी को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। और कितने मंथ तक, अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। आपको पता है एम्ब्रियो की, ह्यूमन की जो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है वो टोटल जो है वो कितने मंथ के अंदर, जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 9 मंथ है। तो 9 मंथ तक जो है वो उसने फीटस एम्ब्रियो, और उसके बाद जो वो फीटस में कन्वर्ट होता है तो उसको अपनी बॉडी में रखना है। इसके बाद अगर हम फीमेल के जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स देखें कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो तो आ जाते हैं गोनेड्स। हमें पता है कि जो फीमेल की बॉडी है, जिस तरह मेल की के जो गोनेड्स हैं वो टेस्टिस हैं, इसी तरीके से जो फीमेल के गोनेड्स हैं वो क्या है, वो है ओवरीज। मिसाल के तौर पर ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है। तो सबसे पहले मेल के, फीमेल के पास क्या है, गोनेड्स जो है वो क्या है, ओवरीज। फिर ओवरीज के साथ कुछ डक्ट्स होती हैं, ये जिनको हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स कहते हैं। ओविडक्ट्स ओपन होती हैं यूट्रस में, और यूट्रस किस में ओपन होती है, वो ओपन होती है वेजाइना। तो अगर हम बात करें तो ये हो गई इसकी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरीज हो गई, ये ओविडक्ट हो गई, ये यूट्रस हो गया, और दिस वन इज वेजाइना। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हमने वन बाय वन जो है वो इन पार्ट्स को जो है वो डिटेल में देखना है। तो स्टार्ट किससे करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओवरीज से। तो ओवरीज गोनेड्स से, और गोनेड्स आपको पता है फीमेल के क्या है, वो ओवरीज को हम गोनेड्स, फीमेल के गोनेड बेसिकली ओवरी हैं। ओवरीज आर फीमेल गोनेड विच प्रोड्यूस ओवा एंड रिलीज हार्मोन्स। अब जो फीमेल के गोनेड्स हैं वो ओवरीज हैं, और ओवरीज के काम में एक तो वो ओवा यानी एक प्रोड्यूस करने का काम करती है, और साथ में क्या होता है, ओवरीज से हार्मोन रिलीज भी होते हैं। जिस तरह एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो ओवरीज से रिलीज होता है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि ओवरीज ये जो है वो ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती है, The paired ovaries flank the uterus. Flank का मतलब क्या होता है, यूट्रस के दोनों साइड पर। Flank the uterus मतलब यूट्रस के दोनों साइड पर, on each side of each ovary, on each side. मतलब इधर अगर आप देखें, ये एक ओवरी है, यहां पर अगर हम देखें तो ये एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है। कहां पर फ्लैंक कर रही है, मतलब किस किस तरह, किसके साइड पर है, ये यूट्रस के साइड पर, ये यूट्रस है। यूट्रस के एक ओवरी इस साइड पर है और एक इस साइड पर जो है वो
ओवरी मौजूद है। तो इसी की चीज को कहा जा रहा है द पेयर्ड ओवरीज फ्लैंक द यूट्रस ऑन ईच साइड, यानी दोनों साइड से जो है वो यूट्रस के दोनों साइड पर ये मौजूद होती हैं। एंड ईच ओवरी इज हेल्ड इन प्लेस विद इन पेरिटोनियल कैविटी। अब यहाँ पर जो ओवरीज होती हैं, जो ह्यूमन की जो यहाँ पर ये पेरिटोनियल कैविटी है, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये ओवरीज जो होल्ड होती हैं, जो अटैच होती हैं पेरिटोनियल कैविटी में, वो बेसिकली जो है वो किसके जरिए अटैच होती हैं, कुछ लेगामेंट्स होते हैं। यहाँ आपको पता है लेगामेंट्स क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, वो इस ओवरीज को जो है वो क्या करके रखते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में होल्ड करके रखते हैं। तो दे हेल्ड इन प्लेस विद इन पेरिटोनियल कैविटी बाय सेवरल लेगामेंट्स, बहुत सारे लेगामेंट्स होते हैं जिनके जरिए जो है वो अटैच होकर रहते हैं। अच्छा देखो पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है, मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास जो है वो एक पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है और एक विसरल मेम्ब्रेन होती है। मिसाल के तौर पे अगर हमें पता है कि ये एब्डोमिन है, ये क्या है, ह्यूमन का एब्डोमिन, एब्डोमिन को जो सराउंड कर रही होती है मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। वो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल सा यहाँ सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और जो ऑर्गन्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो है विसरल, वो कौन सी होती है, विसरल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल और विसरल मेम्ब्रेन के दरमियान में जो कैविटी होती है उसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। तो ये जो हमारी ओवरीज होती हैं, इनको पेरिटोनियल कैविटी में जो होल्ड करके रखते हैं वो कौन रखते हैं, सेवरल लेगामेंट्स। लेगामेंट्स क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू हैं। अब बात करें अगर शेप साइज या स्ट्रक्चर ऑफ ओवरीज की, तो दे आर सॉलिड ओवॉइड स्ट्रक्चर, यानी ओवरीज जो है वो सॉलिड होती है, ओवॉइड मतलब एक शेप की जो है वो क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इनके साइज की बात करें तो 3 to 5 centimeter जो है ये लॉन्ग होते हैं, और इसकी अगर हम विड्थ देखें यानी चौड़ाई अगर इनकी देखें तो 2 to 3 centimeter ये वाइड होते हैं। इसके बाद ओवरीज के अंदर कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। देखो ओवेरियन फॉलिकल क्या होते हैं, ओवेरियन फॉलिकल हैं, मैं इसको यहां पर बना देता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक ओवरी है, ये ओवरी के साथ क्या है, ये ओविडक्ट है। अब जब एक ह्यूमन फीमेल जो होती है, बेबी जो होती है, पैदा होती है, तो उसी वक्त उसकी ओवरीज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, छोटी छोटी थैलियां होती हैं, समझ लें कि जिनको हम क्या कह रहे हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम ओवेरियन फॉलिकल कहते हैं। और इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर इमेच्योर एग होते हैं, में क्या होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं जिनको हम ओसाइट्स कहते हैं, इनको हम ओसाइट्स कहते हैं, इनके जो इमेच्योर जो हैं वो एग हैं। तो ओवेरियन फॉलिकल बेसिकली क्या है, विद इन ओवरी मेनी टाइनी सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल। यानी ओवरी के अंदर दो ओवरीज होती हैं, दोनों ही के अंदर पेयर होता है ना ओवरी का, दोनों ही के अंदर जो है वो ऐसे सैक लाइक जो है वो स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। और ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ एन इनमेच्योर एग कॉल्ड ओसाइट, और इसमें एक इनमेच्योर एग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ओसाइट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या है, ये ओवेरियन फॉलिक, ये जो व्हाइट, ये जो मैंने थैली बनाई है ये ओवेरियन फॉलिकल है, और इसमें जो रेड कलर के मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर शो किए हैं, समझ लें कि ये क्या है, ये ओसाइट्स हैं। ओसाइट बेसिकली क्या है, ओसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द इमेच्योर एग। एक मैच्योर जो है वो डेफिनेटली जब एक फीमेल जब अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचती है तो फिर ये एग जो है वो क्या होना शुरू होते हैं, मैच्योर होना शुरू होते हैं, उससे पहले ये मैच्योर फॉर्म में नहीं होते। अच्छा इसके बाद देखें ओव्यूलेशन बेसिकली क्या है, तो ओव्यूलेशन जो है वो, अब सिंपली अगर हम बात करें तो ओव्यूलेशन तो जो है वो कहा जाएगा कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, सर मैंने आपको बताया था कि ये एक ओवरी है, ये ओवरी के साथ जो है ये क्या है, ओविडक्ट है। अब ये ओवेरियन फॉलिकल है, इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, ये एग मौजूद है जो रेड कलर का है। अब क्या होता है कि जब ये एग ओवेरियन फॉलिकल से निकल कर ये ओविडक्ट में आ जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये जब एग जो है वो ओवेरियन फॉलिकल से इजेक्ट होता है या रिलीज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, इन एडल्ट वुमन जो मैच्योरिटी पे जब एक वुमन पहुंच जाती है, ऑन द राइपनिंग फॉलिकल, यानी बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं इनमें से कुछ फॉलिकल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। ये हम जब आगे पढ़ेंगे कि जब
एक फीमेल मैच्योर होती है तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो वो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, फोलिकल को मैच्योर करते हैं। और एक फोलिकल जो मैच्योर हो जाता है, उस फोलिकल का एक जो है वो इजेक्ट हो जाता है या रिलीज हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। इन एडल्ट वुमेन वन ऑफ राइपनिंग फॉलिकल इजेक्ट इट्स ओसाइट्स फ्रॉम ओवरी ईच मंथ, हर मंथ जो है वो रिलीज होता है, हर मंथ एक 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 जो है वो फीमेल की बॉडी में रिलीज होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो मेंसेस के मेंस्ट्रुअल फ्लो के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। दिस इवेंट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इस इवेंट को हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या होता है, देखें ये जो फॉलिकल था, जिस फॉलिकल को हम राइपिन फॉलिकल कह रहे हैं, राइपिन फॉलिकल को हम ग्रेफिन फॉलिकल भी कह सकते हैं, ये राइपिन फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल जो होता है, जब इससे एक रिलीज हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ये राइपिन फॉलिकल या ग्रेफिन फॉलिकल एक ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर ग्लैंडुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट ओवरीज, तो ओवरीज बेसिकली, ओवरीज आर फीमेल गोनेड्स। ओवरीज बेसिकली क्या है, ये फीमेल गोनेड्स हैं। अब ओवरीज ये देखें, यहाँ पर ये एक ओवरी और ये दूसरी ओवरी, ओवरी क्या है, ये फीमेल गोनेड्स हैं। इन ओवरीज का जो है वो काम क्या है, बेसिकली इन ओवरीज का काम जो है वो एक प्रोड्यूस करना और एक के साथ स्पर्म प्रोड्यूस करना। लोकेशन इसकी जो है वो कहाँ पर है, ऑन इधर साइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ये दोनों तरफ जो है वो मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा ओवरीज जो होती हैं बेसिकली सॉलिड स्ट्रक्चर है, ओवॉइड स्ट्रक्चर होती हैं। फिर हमने बताया, मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर जो है वो सैकलाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको क्या कहते हैं, ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल के अंदर इमेच्योर एग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वो साइड जो है वो कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि जब ये ओवरी ओवेरियन फॉलिकल से जब एक रिलीज होकर ये ओविडक्ट में आता है, तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और जब ओवेरियन फॉलिकल के जो मेच्योर ओवेरियन राइपिंग ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, उनमें से जब एक रिलीज हो जाता है, तो उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट इंटू ग्लैंडुलम स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। ये हमने बात कर ली इसकी ओवरीज की। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जो है ओविडक्ट, या जिनको हम फेलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, या जिसको हम जो है वो यूट्राइन ट्यूब भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ओविडक्ट फॉर्म द इनिशियल डक्ट सिस्टम ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इस तरह देखेंगे, अगर यहां पर जो है ये ओवरी है और ये दूसरी ओवरी, अब इन ओवरी से ही सबसे पहला एक जो डक्ट सिस्टम होता है, जो डक्ट निकलती है यहां पर, इन डक्ट्स को हम क्या कह रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं ओवी डक्ट। अब यहाँ पर मैं ओवी डक्ट को जो है वो ब्लू कलर दे देता हूँ, जिस चीज को मैं यहाँ पर ओवी डक्ट कह रहा हूँ, इसको ये ब्लू कलर दे रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, ये है ओवी डक्ट है, दिस आर द ओवी डक्ट। और ये कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, दे आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। दे रिसीव द ओव्यूलेटेड ओसाइट। अब इनका काम क्या, जो ओविडक्ट होती है, इनके अंदर क्या होता है, जब ओव्यूलेशन होती है, तो ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल से एक रिलीज होकर कहां पर आता है, ये आता है ओविडक्ट के अंदर। साइट वेयर फर्टिलाइजेशन जनरली अकर, मतलब वो जगह जहां पर जो है वो ह्यूमन का, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन होती है, वो भी क्या है, वो भी ओविडक्ट ही है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट जो है वो ओविडक्ट में ही मिलेंगे। और इसके अलावा जो ओसाइट है इज कैरिड टू यूट्रस, यानी ओसाइट जो होता है, या एक जो है, या अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जायगोट बन जाएगा, तो उसको जो यूट्रस तक पहुंचाने का काम करता है, वो भी कौन करता है, वो भी जो है वो ओविडक्ट करता है। मतलब ओवरी से डायरेक्टली एग जो, या ओसाइट जिसको आप कह लो, कि वो डायरेक्टली जो है वो कहाँ पर नहीं आता, वो डायरेक्टली जो है वो यूट्रस में नहीं आता, पहले उसको किसको क्रॉस करना पड़ता है, पहले क्रॉस करना पड़ता है ओविडक्ट को, और ओविडक्ट में ही उसकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है।
इसके बाद लास्ट में हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो पार्ट दे देख लेते हैं, वो है यूट्रस और वोम। इसको आप यूट्रस भी कह सकते हो, इसको आप वोम भी कह सकते हो। तो यूट्रस, द यूट्रस और वोम इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, यानी अंदर से ये खोखला और ये किस तरह का ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसकी शेप अगर हम देखें तो समवाट एन इन्वर्टेड पेयर, यानी ये जो ये यूट्रस है, मैं यहाँ पर ये इसके यूट्रस को जो है वो रेड कलर दे रहा हूँ। ये पूरी स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसको यूट्रस कह रहा हूँ, तो ये यूट्रस जो होती है इसकी जो शेप होती है जस्ट लाइक एन इन्वर्टेड पियर, पियर होती है ना नाशपाती इस तरह से, ऐसे अगर आपको ऐसे ऐसे उसको इन्वर्टेड कर दो, यूं उल्टा कर दो, तो उसकी शेप कैसी, यूट्रस की जो है वो शेप कैसी हो जाएगी, यूट्रस की शेप जो है वो इन्वर्टेड पेयर जैसी जो है वो हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यूट्रस, ये जो पूरा यूट्रस है, अगर हम इस यूट्रस के पार्ट देखें तो यूट्रस को जो है वो आप तीन पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर सकते हो, एक फंडस, एक बॉडी और एक सर्वेक्स। सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसका, ये क्या है, ये है फंडस। दरमियान वाले पार्ट को बॉडी कह रहे हैं, और सबसे नीचे वाला जो ये पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्वेक्स। यहाँ पर आप देख लें इस तस्वीर में, ये देख लें ऊपर वाला जो पार्ट है ये, इसको देखें तो ये फंडस है, बीच वाला जो पोर्शन है जिसको आप यूट्राइन कैविटी ये कह रहे हो, इसकी ये बॉडी है, और सबसे नीचे जो है ये जगह जो है इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम सर्विक्स कह रहे हैं। ये तीन जो है वो इसके जो है वो यूट्रस के जो हैं पार्ट्स हैं। अब अगर हम इसकी जो है वो फंडस को देखें तो ओविडक्ट ज्वाइन द यूट्रस जस्ट बेलो द फंडस। तो ये जो ओविडक्ट्स हैं, ये देखें ये जो ओविडक्ट हैं ब्लू कलर की, ये जो यूट्रस को ज्वाइन कर रही है, कहाँ पर ज्वाइन कर रही है, जस्ट बेलो द फंडस। ये देखें ऊपर की तरफ क्या है, ये फंडस है, फंडस के बिल्कुल नीचे जो है वो ओविडक्ट जो है वो किसको ज्वाइन कर रही है, यूट्रस को ज्वाइन कर रही है। आप इस जगह पे भी देख सकते हैं जो आपकी बुक कह रही है कि फंडस से नीचे, ये फंडस से नीचे देखें जो ओविडक्ट है ये किसको ज्वाइन कर रही है, अटैच हो रही है आकर, किसके साथ कनेक्ट हो रही है, यूट्रस के साथ। बॉडी तो आपको पता है कि मिडिल पार्ट है, और सर्विक्स की अगर आप बात करें तो सर्विक्स बेसिकली किसमें खुलता है, ये ओपन होता है किसमें, लास्ट पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जिसको हम क्या कहते हैं वेजाइना, जिसको हम क्या कहेंगे वेजाइना। ये देखें ये सर्वेक्स, और ये सर्वेक्स किसमें खुल रहा है, सर्वेक्स जो है वो ओपन हो रहा है बेसिकली जो है वो वेजाइना में। इसके बाद अगर हम इसका जो यूट्रस है, यूट्रस की अगर हम लेयर्स की बात करें तो बेसिकली यूट्रस की जो है वो थ्री जो है वो लेयर्स होती हैं। एक सबसे पहले जो है वो पेरी, पेरी मेट्रियम, दूसरी जो है वो है मायो मेट्रियम, और लास्ट वन जो है सबसे इनर मोस्ट जो है वो है एंडो मेट्रियम। देखें अच्छा, पेरीमेट्रियम क्या है, बेसिकली इट इज आउटर मोस्ट थिन लेयर, या आप कह सकते हो आउटर मोस्ट थिन कवरिंग लेयर, इट इज आउटर मोस्ट थिन कवरिंग लेयर ऑफ यूट्रस। देखेंगे फिर मुझे तो फाइल सिस्टम ड्रा कर देता हूं, ओविडक्ट ओवरीज, और ये है जो है यूट्रस, पूरी ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की है ये यूट्रस है। तो अभी तक देखें यूट्रस की सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, चलें इसको मैं रेड से शो कर देता हूँ, ये जो यूट्रस की आउटर मोस्ट कवरिंग है, थिन मेम्ब्रेन थिन लेयर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम सॉरी, ये क्या है, ये है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम के बाद फिर नीचे की तरफ इनर साइड पर, पेरीमेट्रियम के जो नीचे होती है वो है क्या है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम इज अ मिडिल थिक मस्कुलर लेयर, ये क्या है, ये है मिडिल थिक
मस्कुलर लेयर, इधर देखें बीच में जो है ये मिडिल थिक, नीचे की तरफ ये जो मिडिल थिक मस्कुलर लेयर है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं मायो मेट्रियम, मेट्रियम। अच्छा, इसका बेसिकली जो है वो काम क्या होता है, ये कंट्रैक्ट रिदमेटिकली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ टू एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द मदर्स बॉडी। ये क्या होती है, ये बिल्कुल ये जो मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं इसके अंदर जो है मायोमेट्रियम में, तो क्या होता है कि ये कंट्रैक्ट होते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड की बर्थ होती है तो ये क्या होते हैं कंट्रैक्ट होते हैं, ऐसे सुकड़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट होने का फायदा क्या होता है, टू एक्सपेल द बॉडी, सॉरी दो एक्सपेल द बेबी फ्रॉम द बॉडी, यानी मदर की बॉडी से बेबी को एक्सपेल करने के लिए क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली बेबी जो है वो क्या होगी, बाहर साइड बाहर एक्सपेल होगा। एंडोमेट्रियम की अगर बात करें तो इस इनर स्पंजी लाइनिंग, इनर स्पंजी लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, अब देखें ये जो सेंटर में है, बीच में जो सेंटर में है यूट्राइन कैविटी है, और ये यूट्राइन कैविटी के ये चारों तरफ जो इनर स्पंजी जो लाइनिंग है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ये जो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर में शो किया है, ये है एंडोमेट्रियम। ये क्या है, एंडोमेट्रियम है। और मेनली जो एंडोमेट्रियम का फंक्शन होता है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन टू द एंडोमेट्रियम, यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, मेल और फीमेल गैमेट मिल गए, जाइगोट बन गया, जाइगोट फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, तो एम्ब्रियो जब यहाँ ओविडक्ट से कहाँ आएगा, यूट्रस में आएगा, तो इस एंडोमेट्रियम ही के साथ क्या होगा, इम्प्लांट होगा, यानी इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो मतलब ये किस चीज में हेल्प कर रही है, एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, और यहीं पर फिर इसी जगह, यही जगह जो यूट्राइन कैविटी है, इसी में पूरी जो है वो एम्ब्रियो की जो है वो डेवलपमेंट क्या होगी, कंप्लीट होगी। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो सर्वेक्स है, सबसे लास्ट वाला पार्ट बताया था ना मैंने, यहाँ पर यूट्रस का सबसे लास्ट नीचे जो पार्ट है, ओपनिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं सर्वेक्स, इस सर्वेक्स के अंदर बेसिकली इट इज कॉमनली ब्लॉक बाय प्लग ऑफ म्यूकस, यानी म्यूकस होता है जिससे जो है वो क्या होता है, ये बंद होती है, यानी फिल होती है किससे, ये इस जगह को अगर आप देखें यहाँ पर, ये जो है, ये जो सर्वेक्स है, इस सर्वेक्स जो है वो किससे फिल्ड होता है, वो बेसिकली जो है वो एक म्यूकस से, जेली लाइक म्यूकस से जो है वो फिल होता है, मैं येलो कलर में शो कर रहा हूँ यहाँ, ये जेली लाइक म्यूकस से फिल होता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं ये पूरी स्ट्रक्चर, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है जिसको मैं यूट्रस यहाँ पर कह रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रक्चर जिसको मैं ये यहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रक्चर, इसको मैं पूरी जो स्ट्रक्चर जिसको मैं यूट्रस कह रहा हूँ, तो सबसे पहले हमने इसके तीन पार्ट कर लिए, फंडस बॉडी और फिर क्या हो गया ये सर्वेक्स। और अगर हम इसकी लेयर देखें तो तीन लेयर हो गई, सबसे पहले जो है वो पेरीमेट्रियम, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये पेरीमेट्रियम जिसको कह रहे हैं, फिर दरमियान वाली जो लेयर है इसको मायोमेट्रियम कह रहे हैं, सबसे अंदर जो लेयर है उसको कह रहे हैं एंडोमेट्रियम, और बीच में जो कैविटी है इसको हम क्या कह रहे हैं, यूट्राइन कैविटी। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो है ये वेजाइना, लास्ट जो पार्ट है वो क्या है, वो है वेजाइना। अब वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना कहता है, वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना इज अ थिन वॉल्ड 8 to 10 centimeter लॉन्ग ट्यूब। वेजाइना क्या है बेसिकली, ये जो है यहां पर अगर मैं नीचे की तरफ इधर शो कर दूं, इसको मैं फिर जो है वो इस कलर से जो है वो ब्लू कलर से शो कर देता हूँ, ये देखिए सर्वेक्स जो है वो किसमें खुल रहा है, ये वेजाइना में खुल रहा है,
वेजाइना के बारे में क्या कह रहा है कि ये एट एक लॉन्ग जो है वो थिन जो है वो थिन वॉल 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है डेट एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स सर्विक्स टू द बॉडी एक्सटीरियर। मतलब सर्विक्स के बाद जो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, जहां पर सर्विक्स खत्म हो रहा है तो वहां पर वेजाइना स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पर खुल रही है, बाहर की तरफ, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ जो है ये ओपन हो रही है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसको वेजाइना इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। वेजाइना को हम क्या कहते हैं, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे की जो बर्थ होती है वो किससे होती है, वो इसी से जो है वो होती है। इट प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर द डिलीवरी ऑफ एन इन्फेंट। बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो भी इसी जगह से होती है, एंड फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, और फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लीडिंग होती है, वो भी यहीं से होती है। इट नॉर्मली इसके अलावा इट द यूट्रस इज एम्बेडेड इन द इंटीरियर वॉल, यानी जो यूट्रस होता है जहाँ से यूरिन पास होता है, यूट्रस जहाँ से फीमेल का जो है वो यूरिन जिस ट्यूब से जो है वो यूरिन पास होता है, वो भी इसके इंटीरियर वॉल पर ही जो है वो क्या होता है, वो भी इसके साथ जो है वो अटैच होता है, एम्बेडेड होता है। तो वेजाइना की अगर हमने बात की तो वेजाइना जो है थिन वॉल 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और मेन जो इसका फंक्शन क्या है, इसका बेसिकली फंक्शन जो है वो बर्थ कैनाल है। तो इसका बर्थ कैनाल इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे यहाँ से क्या होती है, डिलीवरी ऑफ एंड इन्फेंट, इन्फेंट की जो है वो डिलीवरी होती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होगा वो भी क्या होगा, वो भी यहीं से जो है वो पास आउट होगा। अब अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के फंक्शन की बात करें कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका फंक्शंस क्या क्या है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या काम कर रहा है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग, प्रोडक्शन ऑफ एग जो एग प्रोड्यूस होता है, और एग प्रोड्यूस होने का प्रोसेस जो है वो पूरा वो ओजेनेसिस कहते हैं हम उसको। तो ये प्रोडक्शन ऑफ एग जो है वो कहाँ पर होता है, वो बेसिकली जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही में होता है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट के अंदर जो है ये ओजेनेसिस हो रही है, वैसे तो आगे भी चलती है, लेकिन इसका मेन जो साइट है, मेन साइट है जहां पर एग प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन सी है, वो है ओवरीज। ओवरीज में जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पे एक को प्रोडक्शन करने के बाद एक की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी कहाँ होती है, वो भी इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, यानी मेल और फीमेल गैमेट जहां पर मिलते हैं। तो वो कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है, वो होती है ओवी डक्ट में। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एक और काम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो भी जो है वो कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही होता है, और उसको हम क्या, वो पार्ट कौन सा है, वो है यूट्रस। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, आपको बताया कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, वो है एस्ट्रोजन। वो भी कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोड्यूस होता है। और जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है ओवरीज में। सो इट वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन।